देखो गाइस क्लैपिंग भी हो रही है साथ साथ। हैप्पी बर्थडे टू विन। हाय गाइस वेलकम बैक टू अ ब्लॉग दैट इज दाविश फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज है संडे जो कि होता है फन डे। बट आज मैं उठ चुकी हूँ जल्दी। आप लोगों को तो पता ही मेरा ऑफिस चल रहा था, जस्ट ऑफिस ख़त्म हुआ। अब मैं नहा धो रही हूँ। अब करते हैं पूजा और आरती की तैयारी और लगाते हैं कान्हा जी को भोग। सो बस गाइस उसकी तैयारी चल रही है, फिर आपको सुंदर सुंदर दर्शन देते हैं भगवान जी के और आरती के भी, और फिर आपको दोबारा मिलते हैं अभी आरती के साथ। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस सुबह की आरती हो चुकी है डन। आप लोग दर्शन कर सकते हैं मंदिर के सुंदर सुंदर। तो देख सकते हैं जो जल चुके हैं। आप लोग सवेरे सवेरे पहले आरती लीजिए सारे, और भगवान जी सबकी विशेस पूरी करें, सबको खुश रखें। जैसा कि मैं मेहता कहती हूँ, भगवान जी सबको बहुत सारी खुशियाँ दें घर में। और अब गाइस अब बनाना है इनका नाश्ता, चाय और पराठे। सो बनाते हैं आज आलू वाले पराठे। हमारे लिए तो भाभी बनाएगी, इनके लिए मैं बना देती हूँ। सो अभी आलू वगैरह मैश करते हैं, फिर आपको मिलते हैं दोबारा परांठे बनाते हुए। सो गाइस पतिदेव के लिए बन रहे आलू वाले परांठे। सो आलू मैश कर दिए, अब डालते हैं प्याज और मसाले। वो चले गए हैं नहाने। सो गाइस नहाने जा चुके हैं, उन्होंने आलू वाले टेस्टी टेस्टी परांठे। सो बनाते हैं आलू वाले परांठे। आलू को मैंने मैश कर दिए, अब बस प्याज वगैरह काट के मसाले लेके फटाफट आलू वाले परांठे बनाते हैं। सो गाइस प्याज काटने से कितना आँखों में पानी आता है, आप लोगों को भी आता ही होगा। मुझे तो प्याज काटने बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा मम्मी ही काटती रहता है प्याज। हम लोग मैं तो काटती नहीं था, मैं तो किचन में नहीं बैठा, तो देखते ही मुझे मैं किचन में ही आती। तो प्याज काटना तो बहुत दूर की बात है, सभी को पता होता है कि मैं कुछ बना लेती तो बना लेती, वरना तो बहुत रेयर केस ही होते हो, क्योंकि या तो भाभी बनाती है मम्मी बनाती है। तो हम गाइस अब पेश के लिए बादाम और सूजी भिगो के रख दी है। मैं भूल जाती रोज़ ही भिगोना, और लड़के को मैं रोज़ ही देना भूल जाती, डॉक्टर स्पेशली कहेंगे उसको बादाम खिलाया करो। तो वैसे मैं दे रही थी दो तीन दिन से लगातार, पर मैं भूल गई थी आजकल भिगोना इसके लिए। मैंने भिगो के रख दिया, अब इसको खिलाएंगे बादाम और सही होगी सूजी, सही होगी नहीं सूजी। सो मैंने अभी गोखे रख दी है फिश के लिए। अब ये शाम तक हो जाएगी तो मैं खिला दूँगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में खिला दूँगी इसको जब उठता है, तो क्योंकि उठते जाते कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते हैं पहले। तो ये तो वैसे भी खाली पेट ही खाने चाहिए, अच्छे होते हैं। सो वैसे प्याज जो है कट चुके हैं, डालते हैं मसाले, बनाते हैं पराठे। सो गाइस ये देख सकते हो मैं बना रही दो पेड़े वाली रोटी आलू की। कौन कौन बनाता है दो पेड़े वाली रोटी? सो गाइस यहाँ बन रही है दो पेड़े वाली आलू की रोटी। अगर आप लोगों में से कोई बनाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन बनाता है। मैं से तो गाइस आलू की परांठी बनती ही नहीं है, फट जाती है। तो मेरे को मम्मा, मेरी मदर इन लॉ जो है मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे सिखाया था कि दो पेट वाली रोटी बनाओ तो फटती नहीं है। तो मैं बनाती हूँ, एक आध बारी मैंने बनाई है, पर मेरे से बनती ये भी ठीक नहीं है, मैं तो फट जाती है। बट कोशिश कर रहे हैं बनाने की पतिदेव के लिए, पतिदेव को भी तो कुछ करना है। तो गाइस यहाँ बन चुकी पति देव के लिए रोटी, शक्ल देख सकते हो सही बनी है गाइस। रोटी ने मैंने चाय बना दी है साथ में। और गाइस मेरा भी हाल देख लो, पसीने से लथपथ हो गई हूँ मैं, इतनी गर्मी है बाहर, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। सो गाइस अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, फिर आपको उठ के मिलेंगे दोबारा। गाइस सारे उठ चुके हैं, भाभी देख सकते हो पीछे ब्रश कर रही हैं। गाइस इसने चाय बनाई, और गाइस ये बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि लड़के ने अपना हाथ भी साड़ लिया। मेरा नूना भी उठ चुका है, नूना का ऐसे नाद माननी चाहिए। सो गाइस आज विंदा का बर्थडे है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो वहाँ जाएंगे विंदा का बर्थडे सेलिब्रेट करने, पहले हम खाएंगे आलू वाले परोंठे, उसके बाद जाएंगे। भूख लग रही है गाइस, सवेरे भी नहीं खाए मैंने पति के लिए बना के, वो खिला के भी नहीं गए, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। अब ये बना के खिलाएंगे मेरे को, अब ये बना के खिलाएंगे। देखो देख कितने चढ़ी जा रहे, गिरना है वो सीधा मशीन पड़ेगी अंदर। आलू वाली परांठे सब में दही आ चुके हैं, ये सब भैया भी आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ चलिए आलू वाली परांठे हैं, तो कुछ देखो गाइस मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है। एक्सेस ना खा ले बस, अभी इसकी तबीयत खराब हो जाती है फिर। सो गाइस आलू वाली परांठी हो चुकी थी डन, विंदा के लिए लिए आए हैं गिफ्ट, आप देख सकते हो। सो बस गिफ्ट लेके गाइस अब जाने की है तैयारी, तैयार हो चुके हैं। ये रे किच्चू के पापा, ये भी आ चुके हैं, वो ना मीना नैना, वो तो पहले ही तैयार हो चुका था ना दोगे। भाभी भैया और डुगू चलेंगे डेजी को लेकर वहाँ पे। सो बस हम लोग भी अब जाने लगे हैं, सो वहाँ जाके भी आपको रस्ते में दोबारा मिलते हैं गाइस। किश का बैग भी पैक हो चुका है, गिफ्ट भी आ चुका है बिंदु का। सो अब चलते हैं विंदा का बर्थडे सेलिब्रेट करने गाइस। सो आप लोग तैयार हो हमारे साथ विंदा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? सो चलो गाइस फिर चलते हैं। सो गाइस गर्मी पड़ रही है हद से ज़्यादा, मेकअप देखो सारा मेल्ट होता जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। और एकदम नीचे आ चुके हैं, बस अब है स्कूटी पे जाने की तैयारी। सो अब चलते हैं विंदा के घर, पसीने से बुरा बुरा हाल है गाइस, गर्मी हद से पार हो रही है।
गाइस हम लोग आ चुके हैं इंदा के घर और इंदा उठ गई है, सोई भी थी इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट करा। सो इंदा उठ चुकी है, अभी आपको मिलवाते हैं बर्थडे गर्ल से। गाइस बिना कपड़ों के बैठी बर्थडे गर्ल, अभी बर्थडे गर्ल सो के उठ के आई क्योंकि गर्मी बहुत है, बच्चों को फ्रॉक्स वगैरह नहीं पहनाने का हाल। हैप्पी बर्थडे टू यू, देखो गाइस क्लैपिंग भी हो रही है। अच्छा हैप्पी बर्थडे टू बिंदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस कल बर्थडे गर्ल की मम्मी का भी बर्थडे है, एडवांस में सारे विश कर दो इनको भी, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। आज इंदु का बर्थडे है, कल मम्मा का बर्थडे है। और ये रही गाइस बिंदु की नानी, नानी बाहर से देख रही है बिंदु को, अरे प्यार नानी दादी यार, बिंदु की दादी है, सॉरी सॉरी गाइस मैंने गलत बोल दिया, डुग्गू की नानी है ये, है ना, डुग्गू की नानी है, बिंदु की दादी है। बिंदु हैप्पी बर्थडे टू यू। विंदा लड़ाई कर रही है सबसे, विंदा बिंदु ओए विंदा हाय। सो गाइस विंदा लड़ाई कर रही है, हाय गाइस, डुग्गू को तो बस कपड़े उतारने आता है, जहाँ आता है लड़का कपड़े उतारने शुरू कर देता। विंदा हैप्पी बर्थडे टू टू गाइस, इसको तालियां मारनी आ गई, तालियां मारती रहती है। गाइस यहाँ पार्टी की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, बिंदु के मम्मी पापा लगे हैं दोनों बैलून लगाने और हम फुलाने। गाइस मेरी तो हवा निकल चुकी है सारी, गाइस खाने पीने का सामान भी आ गया। सो गाइस अभी खा लो, मेरा जी खराब हो गया यार, मैं पानी ले लूं, पानी हमारी डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट और मैं बिंदु की तैयारी होने वाली हूँ, बस आगे बिंदु वो डांट खा रहा है डुगू यहाँ, इस लड़के की गाइस हरकत ही अतनी है सारी। काम ही वही है ना, क्या करे अब, और इनके पास गाइस कपड़े नहीं होते, आपको बनियान में दिखते होंगे घर भी और बाहर भी। थोड़ी जगह दे दो यार, मैं बैठ की बनी बनावा
पापी का बर्थडे हो चुका है। टू यू मे गॉड ब्लेस यू। बिंदु मम्मा का बर्थडे है, बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गाइस हम आ चुके हैं घर, कपड़े वपड़े हो चुके चेंज क्योंकि गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। गाइस बाहर से आए हैं तो बहुत बुरा हाल था गर्मी के कारण। भैया क्रिश को भी मस्तियाँ सूझ रही है, लुक देखो अपना अंगूठा चूस रहा है गाइस, और क्रिश को अपनी मस्तियाँ सूझे। सो गाइस आज हम करने लगे हैं बिग बॉस नाइट, मूवी नाइट नहीं बिग बॉस नाइट, हम बिग बॉस देखने लगे हैं बैठ कर अब सारे। बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। हम वेडनेसडे को जाएंगे मूवी देखने पंजाबी। अगर अभी कोई पक्का नहीं है, वैसे बात करी मैंने भैया से तो हम सोच रहे कि एक फैमिली मूवी टाइम हो जाए तो वेडनेसडे को मूवी देखने जा रहे हैं। डुगू ने पहले डिस्क्लोज कर दिया हमारा, अभी ये नहीं पता मूवी देखने कौन सी जाएंगे। इस यहाँ पे बिग बॉस नाइट हमारी शुरू हो चुकी है, ये देख सकते सारे पसरे हुए, ये भाभी ये ना डुगू ये ना मेरा किचन। बिग बॉस नाइट सारे पसरे हैं। तो गाइस बिग बॉस देखते हैं। तो गाइस बिग बॉस देखी हो चुकी है, अब सोने की तैयारी, सारे अंदर सो चुके हैं, सुबह बाहर पानी की बॉटल लेने आई थी। सो गाइस इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू यूट्यूब चैनल दैट इज दाविश फैमिली ब्लॉग्स एंड प्लीज सपोर्ट अस। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो, कल मिलते हैं दोबारा।